नमस्कार, मुजफ्फरनगर जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन ठाकुरों में रामनाथ सिंह ही क्यों बनने वाले हैं? जिले में और भी ठाकुर समाज के लोग भाजपा के नेता हैं, तो फिर रामनाथ सिंह ही क्यों? ये बात भी सियासी चर्चा वाली चौपालों में खूब हो रही है, तो इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना क्षेत्र में भाजपा हादसे पर पहुंच गई है। इसकी शुरुआत हुई थी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से। साल 2021 में हुए चुनाव में विपक्ष की साझी उम्मीदवार पालो देवी ने भाजपा उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। तब यूपी में बहुत कम ब्लॉक प्रमुख विपक्ष के बने थे। ऐसा क्यों हुआ था वो तो आपको पता ही है। पालो देवी रालोद नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक की मां है। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उमेश मलिक हार गए थे और गठबंधन के राजपाल बालियान जीते थे। हाल ही में नगर पंचायत बुढ़ाना के चुनाव में भी गठबंधन उम्मीदवार उमा त्यागी जीती हैं। किसान सेवा सहकारी समिति बुढ़ाना में भी विपक्ष का चेयरमैन है। कुल मिलाकर भाजपा सभी जगह से साफ है। कुछ माह पहले ब्लॉक प्रमुख पालो देवी के शासन से अधिकार सीज हो गए थे। विनोद मलिक ने सीधा आरोप लगाया था कि ये सब केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक उमेश मलिक करा रहे हैं। संजीव बालियान पर भाजपा ज्वाइन करने का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया था। इस प्रकरण में विनोद मलिक की ओर से तहसील बुढ़ाना में महापंचायत भी की गई थी। इसके बाद भाजपा ने शासन से गठित समिति का सम्मान कार्यक्रम ब्लॉक में आयोजित किया था, जिसमें संजीव बालियान और उमेश मलिक बुलडोजर पर सवार होकर ब्लॉक में पहुंचे थे। खैर, हाईकोर्ट से ब्लॉक प्रमुख पालो देवी के अधिकार तो बहाल हो ही चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं बुढ़ाना क्षेत्र की जनता खफा तो है ही, क्योंकि विकास कार्यों पर अब तक ब्रेक ही लगा रहा। बुढ़ाना ने ही भाजपा को पूरी तरह नकारा है, तो केंद्रीय राज्य मंत्री एवं मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान की बुढ़ाना को लेकर ही सबसे ज्यादा चिंता है। इसीलिए जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन के लिए बुढ़ाना क्षेत्र से ही नेता को चुना गया है। ठाकुर रामनाथ सिंह बुढ़ाना क्षेत्र के गांव कुराल से निवासी हैं। बता दें कि रामनाथ सिंह ठाकुर समाज से हैं, जबकि विनोद मलिक जाट समाज से हैं और गठवाला खाप से आते हैं। विनोद मलिक का क्षेत्र में अपना अलग प्रभाव भी है, जो भी भाजपा के लिए सिरदर्द बना है। और किसान राजधानी यानी कि टिकैत का घर सिसोली भी बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। सपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी का विधानसभा क्षेत्र भी बुढ़ाना है। नगर पंचायत चुनाव में उनके छोटे भाई सुबोध त्यागी की पत्नी जीती हैं। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में आने वाले शाहपुर और सिसोली नगर पंचायत से भी भाजपा की हार हुई है। रालोद नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हार तय है और उस हार में बुढ़ाना क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। जनता के पास जवाब देने के लिए वोट ही सबसे बड़ा हथियार है। बता दें कि ठाकुर रामनाथ सिंह का जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर का निर्विरोध चेयरमैन बनना तय है। औपचारिक चुनाव 23 जून को हो जाएगा। भाजपा ने ठाकुर रामनाथ सिंह को ही उम्मीदवार बनाया है।